हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल गेट लोक एंड रिसेंटली आर बी आई रिमूव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम प्रोप करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क सो इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं पी सी एफ द प्रोम करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ये है क्या ये एक सुपरवाइजरी टूल है और ये उन बैंक्स पर इम्पोज किया जाता है जो बैंक के सर्टेन रूल्स तोड़ते हैं आर ने पी से सेंट्रल बैंक को रिमूव कर दिया है क्योंकि अब उनकी फाइनेंशियल रेशियोज़ में काफ़ी इंप्रूवमेंट शो हुए हैं इंक्लूडिंग मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मुंबई बेस्ड बैंक चार साल से भी ज़्यादा टाइम के बाद अब पी से बाहर आया है आर ने सेंट्रल बैंक को जून 2017 में पी के अंडर लिस्ट किया था क्योंकि तब उनकी एन काफ़ी हाई थी एंड नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट्स थे पब्लिक सेक्टर लैंडर से सेंट्रल बैंक ही लास्ट था जो पी से बाहर आया है इंडियन ओवरसीज बैंक और यूसीओ बैंक्स को लास्ट सितंबर में रिमूव किया गया था बैंक को रिटर्न कमिटमेंट दिया गया है कि वो आगे आने वाले बेसिस पे अपनी मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल नेट एन एंड लेवरेज रेशोज जैसे नॉर्म्स को ओबे करेंगे करंटली बैंक की परफॉर्मेंस पी के अंडर है ऑफ आर